हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम जो हैं इंग्लिश ग्रामर करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर जो कॉमन ही होता है, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्टोरी करेंगे। तो स्टोरी जो है आप 1 to 10th जो चलते हैं, तो जैसे थ्रस्टी ग्रोथ तो है, तो ये कॉमन है, ठीक है। तो सभी क्लासेस के लिए है ये। तो वंस देयर वाज करेंगे हम थ्रस्टी ग्रोथ जो है करेंगे। प्यासा कौआ हिंदी में कहते हैं। तो वंस देयर वाज ए क्रॉ, एक बार एक कौआ था। ही वॉज़ वेरी थ्रस्टी, वह बहुत प्यासा था। थ्रस्टी होता है प्यासा होना, तो वह बहुत प्यासा था। ही वेंट हियर एंड देयर फॉर वाटर, वह पानी के लिए जो है इधर उधर गया। बट ही फाउंड नो वाटर एनी वेयर, परंतु उसे कहीं भी पानी ना मिला। एट लास्ट ही रीच्ड ए गार्डन, अंत में वह एक बाग में पहुंचा। गार्डन बगीचा बाग। ही सॉ अ जग ऑफ वाटर, उसने वहाँ कुछ वहाँ एक पानी का एक जग देखा। द वाटर वॉज वेरी लो, लेकिन पानी बहुत कम था। ही कुड नॉट ड्रिंक इट, वह इसे पी नहीं सकता था। ही सॉ सम पेबल्स लाइंग देयर, उसने वहाँ कुछ कंकड़ पड़े देखे। ही इट अपॉन अ प्लान, उसने एक योजना सूझी उसे एक। तो ही पुट दैम इन टू द जग, उसने उन्हें पानी में, जो जग था पानी का, उसमें डालना शुरू कर दिया। उसमें डाला, द वाटर रोज अप, तो पानी क्या हुआ, ऊपर आ गया। द क्रॉ ड्रैंक इट एंड फ्लू अवे, तो कौवे ने पानी पिया, ऐसे पिया और उड़ गया। मोरल, मोरल थी शिक्षा, कि हमें जो ये स्टोरी है उससे क्या शिक्षा मिलती है। कोई भी चीज़ एक लेसन देती है, हमें शिक्षा देती है कि हमने उससे क्या सीख मिल रही है। तो इस कहानी से हमने क्या सीख ली है, मोरल क्या है, शिक्षा क्या है। वेयर दिज अवे, देयर इज अवे, जहाँ चाह वहाँ राह, क्या है इसकी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर की स्टोरी थ्रस्टी ग्रो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट के साथ साथ में इसको जो है नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।